हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये राई वाला पिलो बनाएंगे। जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको हम आम पिलो पे रखेंगे तो उसका सिर चपटा हो जाता है, तो हम राई का पिलो बनाएंगे। तो जैसे हमारे बेबी का हेड इधर आएगा तो राई हमारी इधर उधर हो जाएगी और यहाँ पे एक राउंड प्लेस बन जाता है, जिससे हमारे बेबी का जो हेड है एकदम राउंड शेप में बनता है। न्यूबॉर्न बेबी के लिए पिल्लो बनाना शुरू करते हैं। तो ये हम राई वाला पिल्लो बनाएंगे। तो ये मैंने राई ली है और ये हमारा कॉटन का कपड़ा है। ये कपड़ा मेजरमेंट में हमारा यहाँ से 11 इंचेस है और इस साइड से हमारा 9 इंचेस है। ये मैंने लाइन लगाई है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इतना पार्ट मैंने छोड़ा है। यहाँ पे हम सिलाई नहीं करेंगे, बाकी पार्ट पे हम सिलाई करते हैं। ये सिलाई मैंने लगा दी है, ये पार्ट हमारा खुला है। यहाँ से हम पिल्लो को सीधा कर लेंगे। ये पिल्लो मैंने सीधा कर दिया है। अब इसमें हम राई भरेंगे। ये पार्ट हमारा जो खुला है, यहाँ से हम राई भरते हैं। अब राई इसमें मैंने भर दी है। ये पार्ट है हमारा, इसको हम सिलाई करेंगे, हाथ से ही सिलाई करेंगे। ये मैंने डबल धागा डाला है इसमें और ये हम नोट लगा लेंगे इस तरह से। और एक पार्ट हम इस कपड़े का और इसका लेंगे। इस तरह से एक कपड़ा इस साइड का, एक इस साइड का लेते जाएंगे और पूरी सिलाई हम यहाँ तक करते हैं। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब राई मैंने इसमें भर दी है। इसके बाद जैसे हमारे जैसे बच्चे का यहाँ पे सर आएगा तो अपने आप ही ये राई इधर उधर हो जाएगी और सर का प्लेस बन जाएगा एकदम राउंड सा। इस पिल्लो में राई हमने 1 किलो भर दी है। थोड़ा लूज ही रहना चाहिए इस तरह से, तभी ये राई जब हमारा इधर बेट आएगा हेड का तो ये राई इधर उधर हो जाएगी और एकदम प्लेस बना लेगी, राउंड सा बन जाएगा इधर। अब इस पिल्लो के लिए हम कवर बनाएंगे। जैसे ये अगर ऐसे ही रखेंगे तो ये गंदा हो जाएगा, धोने में मुश्किल होगी क्योंकि अंदर राई है, तो हम कवर डालेंगे इसके ऊपर। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, ये कपड़ा हमारा डबल है, ये देखिए। अब ये राई वाला पिल्लो हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब इस साइड में मैंने 1 इंच रख लिया है। अब ये साइड में भी हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे चारों साइडों में। ये हमारा ऑलरेडी है तो यहाँ से मैंने चारों ओर से रख लिया है 1-1 इंच। अब इस कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर ली है। अब ये पीस रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रिल लगाएंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे अपने पिल्लो को। तो ये मैंने फ्रिल के लिए कपड़ा काटा है। ये हमारा चौड़े में ऐसे 4 इंचेस है और लंबा हम कितना भी ले सकते हैं। ये मैंने 2 ऐसे काटे हैं लंबे लंबे, इनको हम ज्वाइन कर लेंगे पहले दोनों को। यहाँ पे मैं सिलाई लगाती हूँ। ये लंबा कपड़ा मैंने ऐसे सिल लिया बीच बीच में से, इस तरह से हमारी फ्रिल बनेगी। तो इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। नीडल में हम लंबा धागा डालेंगे, डबल धागा डाल लेंगे, 3 भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे स्टिच लेंगे, मशीन से भी ले सकते हैं। तो ये मैं हाथ से बनाना बता रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा मोटा सा नोट लगा लेनी है, इस तरह से हमारा कपड़े में से निकले ना ये। तो ये मैंने स्टिच लगाए हैं। ऐसे हम फोल्ड करते जाएंगे कपड़े को और स्टिच लगाते जाएंगे पूरे कपड़े पे। ऐसे ही स्टिच लगा के हम रेडी करते हैं फ्रिल। ये सारी मैंने स्टिच कर दी है इस तरह से। अब ये हमारे जो चुन्नट आए हैं इनको हम इक्वल कर लेंगे, सभी को बराबर रख के। ये सारे चुन्नट मैंने इक्वल कर लिए हैं। ये हमारी एक लेस बन गई है फ्रिल वाली, इसको हम अटैच करेंगे कपड़े पे। ये मैंने एक पीस लिया है कपड़े का, इसके ऊपर हम फ्रिल को अटैच करेंगे। तो ये जैसे हमारी फ्रिल है, यहाँ पे मैं पिन लगाती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ये गैदर्स हैं, इनको हम थोड़ा थोड़ा एकदम बराबर इक्वल रखते जाएंगे और पिन लगाते जाएंगे। ये मैंने पिन लगा दी यहाँ तक। अब ये पार्ट है हमारा, कॉर्नर आ गया है, यहाँ पे एक पिन लगाएंगे हम और बाकी कपड़े को इधर को ऐसे करेंगे और ये पार्ट हम ऐसे रखेंगे। जब सिलाई आएगी तो हमारा ये पार्ट इस तरह से रहना चाहिए। यहाँ पे मैं पिन लगाती हूँ। ये फ्रिल हमारी अटैच हो चुकी है इस तरह से। अब इस पार्ट को हम, ये सीधी वाली साइड है हमारी,
अब हम इस तरह से ऐसे कर लेंगे ये पार्ट को, और ये हमारा सिलाई में ना आए इसलिए हम यहाँ पिन लगाते हैं। ये पिन लगा दी है इस साइड, ये कॉर्नर है, ये इसे भी हम इस तरह से पिन लगा देंगे। अगर हमारा फैला रहेगा तो इधर उधर हमारा सिलाई में आ जाएगा, ये साइड में भी। ये कपड़ा हमारा इस तरह से सेट हो गया, फ्रिल भी हमारी इस तरह से हो गई, ये हमारी सिलाई है। अब इसके ऊपर हम ये कपड़ा दूसरा इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलाई लगाएंगे, लेकिन 2 इंच यहाँ तक छोड़ लेंगे सीधा करने के लिए। तो सिलाई लगाती हूँ मैं, ये सिलाई हम इस तरह से भी लगा सकते हैं और इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं सेट करके कपड़े को। तो ये हमारी जो सिलाई है फ्रिल वाली, इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी फ्रिल भी एकदम बराबर आएगी। ये सिलाई मैंने लगा दी है, इस साइड में हमने ये पार्ट छोड़ा है, यहाँ से हम अपने कुछ पिल्लों को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमने पिल्लो सीधा किया है, वहाँ से हमें यहाँ तक पूरा निकालना पड़ेगी सिलाई, जिससे कि हमारा ये जो कुशन बनाया है हमने ये राई का, ये अंदर इससे हम डालेंगे इस साइड से। तो ये सिलाई हम खोल लेंगे, पूरा नहीं खोलना है, जितना हमारा ये कुशन अंदर आ सके उतना ही, जितना हमारा ये पिल्लो अंदर आ सके उतना ही हम खोल लेंगे। तो यहाँ से हम ऐसे डाल देंगे। अब ये पार्ट हमारा खुला है, यहाँ तो हम यहाँ पे वेलक्रो लगा देंगे, या हम टिच बटन भी लगा सकते हैं, या हम सिलाई भी कर सकते हैं। जब हमें खोलना धोना है तो हम सिलाई खोल के धो सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलाई लगा के बंद कर रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे का है, अगर हम बटन वगैरह लगाएंगे तो, जब वेलक्रो लगाएंगे तो वो हार्ड होता है तो बच्चे को चुभ सकता है, इसलिए हम सिलाई ही कर देंगे। यहाँ पे एक स्टिच हम इसका लेंगे और एक दूसरे का लेंगे, इस तरह से हम सिलाई कर देंगे यहाँ पे। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है, अब हमारा देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये हमारी फ्रिल है, ये हमारा थोड़ा डिजाइन वाला हो गया है। यहाँ पे कुछ, अब जैसे मान लो कि ये हमारे बेबी का हेड है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे तो यहाँ हमारा प्लेस बन जाएगा, ये हमारी अंदर राई है, तो एकदम जितना गोल होगा सर वो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी हमारा एक्स्ट्रा इधर को हो जाएगा राई है जो। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।